हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप देख रहे होंगे मैं इन पहाड़ों के बीच में कहाँ घूम रहा हूँ, पर यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है। मैं करोलबाग आया था कुछ काम से, काम तो मेरा बना नहीं। और काम क्या था, मैं एक बढ़िया सा मोबाइल होल्डर लेने वाला था, मुझे मिला नहीं। लेकिन इतना वो बोल रहे थे उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा महंगा बोल रहे हैं, और जबकि इतने का वो आता नहीं है। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया, और मैंने सोचा कि चलो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगा क्योंकि ऑनलाइन ही सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे मोबाइल माउंट बहुत महंगा था, क्योंकि जितना वो ऑनलाइन में दिख रहा था और मेरा दोस्त बता रहा था उसके अकॉर्डिंग, यहाँ तो उससे कहीं ज़्यादा मांगे जा रहे थे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक मोबाइल होल्डर इतना भी महंगा अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो मुझे वो पसंद नहीं आया और मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा भैया इससे सस्ता तो मुझे ऑनलाइन मिल रहा है, और उन्होंने भी कहा ऑनलाइन ले लो। तो मैंने भी कहा ऑनलाइन ले लेंगे, 50-100 रुपये दे के तो मैं बाहर भी फिट करा सकता हूँ, तो तब भी मुझे वो सस्ता ही पड़ेगा जितना इन लोगों ने बोल दिया, 2200-2300 रुपये एक मोबाइल होल्डर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जल्द ही एक छोटी सी राइड पे निकलने वाला हूँ, और आप सबको पता है मुझे छुपाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं जब हम लोग मैप यूज़ करते हैं फ़ोन का, गूगल मैप, तो वो कितना ज़्यादा बैटरी लेता है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑन रहता है और वो डायरेक्शन पर डायरेक्शन आपको बताता रहता है। तो इस वजह से फ़ोन ऑन रहता है, जिसकी वजह से बैटरी कंटिन्यू ख़त्म होने लगती। तो इसलिए मुझे एक ऐसा मोबाइल चार्जर चाहिए था जिसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता हो, जिसकी वजह से मेरी राइड काफ़ी इजी हो जाए, ताकि जितना भी अगर मेरा फ़ोन कंटिन्यू, क्योंकि देखो दोस्तों मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं बेशक उत्तराखंड से हूँ लेकिन मुझे भी रूट कंटिन्यू नहीं पता होता है। जाने को तो जब मैं चल पड़ूंगा तो मुझे ऐसे ही पता लग जाएगा कि किधर जाना है, पर इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मुझे एक ऐसा मोबाइल होल्डर चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, और काफ़ी ज़्यादा तो नहीं फिर भी इतना हो कि आप अपने गैजेट को यूज़ कर सकते हो। और मेरे उत्तराखंड में क्या होता है, ऐसे बारिश वाले सीजन पे वहाँ पे लाइट वाइट जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक बढ़िया मोबाइल होल्डर होगा जो फास्ट चार्ज करता, तो उससे मैं अपना पावर बैंक भी चार्ज कर सकता हूँ, फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ, जब वहाँ पर लाइट ना हो वो मेरे बहुत काम आ जाएगा। तो इसलिए मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैंने वो किसी की बाइक पे देखा था तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। से अब ये रूट देख रहे हैं, ये है धौलाकुआ करोलबाग रूट। मैं अपने घर से जब आया तो मैंने धौलाकुआ रूट पकड़ा और ये सीधा करोलबाग जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं 2-4 दुकानों में गया, बहुत तो नहीं कहूँगा, पहले तो लोगों के पास है ही नहीं, और फिर जिसके पास था तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, खाना उतना ही चाहिए जितने आपके पेट में आ सके, इतना भी मत खाइए कि तकलीफ़ हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा खिलाने से अच्छा है कि मैं खुद थोड़ा खा लूं, और ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। छोटी मोटी चीज़ें मैंने भी अपनी गाड़ी में अपडेट की है, मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू जल्दी दूंगा। जब मेरा मोबाइल होल्डर आ जाएगा तब मैं उसे यहाँ लगाऊंगा और तब मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि इसको छोटे मोटे मॉडिफिकेशन की हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। आई होप कि यार आपको दिख रहा हो वीडियो में सब बढ़िया से, क्योंकि यार अंधेरा हो गया और GoPro तो रात को अंधा हो जाता है, सबको पता है। बड़ी मुश्किल से मैं उस ट्रैफिक के अंदर से बाहर निकला हूँ दोस्तों, और ये देख सकते हैं सस्ते यूट्यूबरों का हाल, पेट्रोल भी यार लास्ट पे चल रहा है, क्या करें, ये खाएगी नहीं तो ले जाएगी भी नहीं, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों वीडियो में भी कुछ है नहीं ज्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है अंधेरा हो गया है, GoPro मेरा अंधा भी हो चुका है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं आपको पता है अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, बस आपके लिए बस छोटा सा मैसेज था कि बस वीडियो में बने रहे और ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाए। जल्दी आपको एक प्यारा सा ब्लॉग में लेके आने वाला हूँ दिल्ली टू उत्तराखंड का। आई होप कि आपको पसंद आए काफी और मेरी मेहनत काफी ज्यादा रंग लाए और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे और अब ज्यादा से ज्यादा मुझे आपके प्यार की जरूरत है। तो चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और कमेंट जरूर करा करे। दोस्तों मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आप दिल खोल के कमेंट करे और कैसा आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस में जो भी थोड़ा बहुत कमियां हैं वो मुझे बताया करें ताकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकूं। तो चलो अभी मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।